Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रिपरेशन को आसान। Hi everyone, most repeated topics from diversity of life forms. This is one such unit जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा डरते हो और most of you आप छोड़ देते हो उस यूनिट को, नहीं पढ़ना चाहते हो. बट अगर आप इतने भी टॉपिक्स करके चले जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे. ठीक है, तो लार्वल फॉर्म्स, काफ़ी सारे लार्वल फॉर्म्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए और कौन सा किस ग्रुप को बिलोंग करता है. देन डिजीजेस, इसकी लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगी, टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसको देख लीजिए, एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से. लार्वल फॉर्म्स का लिस्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगी टेलीग्राम पर ही. सिमिलरली प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो एट्रोपीन, या फिर फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं आर्टिमिसिन, किस प्लांट से मिलता है और क्या काम करता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सिमिलरली प्लांट और एनिमल दोनों में बेसिक से लेकर एडवांस तक जो ऑर्गेनिजम्स है, एल्गी टू एंजियोस्पर्म एंड प्रोटोजोआ टू कॉर्डेटा, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आते हैं ये आपको पता होना चाहिए. फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फॉर एग्जाम्पल पैराटाइप्स एंड टाइप, मतलब नॉट पैराटाइप्स एंड टाइप, जैसे कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनो की बात करें या पैरा की बात करें, या किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने मिलती हैं. सिमिलरली स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो होती है डाइवर्सिटी में अल्फा बीटा गामा, एक होती है स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से स्पेशन एलोपेट्रिक पैरापेट्रिक एक्सेट्रा, उसको देख लीजिए. IUCN के लिस्ट, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इनमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म को हम इस लिस्ट में डालते हैं, और हमारे कंट्री में कौन कौन से मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंपॉर्टेंट लिस्ट, जैसे कि एंडेंजर्ड की लिस्ट में कौन कौन, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, डॉल्फिन हो गया, एक्सेट्रा. स्पीशीज़ के बारे में, अगेन स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट, की स्टोन स्पीशीज़ या फिर अम्ब्रेला स्पीशीज़ या फिर फ्लैगशिप स्पीशीज़. देन प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, ये क्यों बोलते हैं हम इनको, और कौन सा किस ग्रुप को बिलोंग, जैसे कि कॉर्डेटा जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, शुरू के ऑर्गेनिजम्स प्रोटोस्टोम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. सीलोम का टाइप, स्यूडोसीलोम हो गया, यूसीलोम हो गया, शाइजोसीलोम, एंटेरोसीलोम कौन होते हैं, ये सब क्यों होता है और किस बेसिस पर हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फॉल करते हैं. ये सारी लिस्ट मैं आपको कोशिश करूंगी टेलीग्राम पर देने की, इफ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद कनेक्टिंग लिंक, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कनेक्टिंग लिंक है दो पर्टिकुलर, जैसे कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, तो उससे क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने. फिर जैसे कि मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आर्किया, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इन तीनों में डिस्टिंग्विशिंग, जैसे कि किसी में हिस्टोन प्रेजेंट है, किसी में एब्सेंट है, किसी में इनिशिएटर जो अमीनो एसिड होता है वो एफमेट होता है, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, किसी में सिर्फ मिथियोनिन होता है, वो आपको पता होना चाहिए. फिर होलोटाइप, पैराटाइप, सिन टाइप, जो स्पीशीज़ को कैरेक्टराइजेशन करने के समय पे हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें और भी बहुत सारी टाइप्स होते हैं, लेक्टोटाइप वगैरह, उनको पढ़ लीजिए. देन रैंक, मतलब जो आर एंड के सिलेक्शन होता है कि कौन सी स्पीशीज़ आर होती है सिलेक्टेड है या कौन के है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब पता होना चाहिए. फिर फ्लैगशिप वगैरह बता दिया, इंटरेक्शन से कि म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म एक्सेट्रा, तो ये सब पढ़ लीजिए. आई एम श्योर इससे आपको हेल्प मिलेगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर ऑल द अमेजिंग अपडेट्स. टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट.